स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर रिमेनिंग सेक्शन ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड सी। हमने इसमें क्या देखा था कि एक लड़की थी जिसका नाम था कार्तिकी पटेल। वो उसका क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था और वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानी और फिर भी उसने अपना बास्केटबॉल प्लेइंग चालू रखा था और बहुत सारे चैंपियनशिप में भी वो गई थी। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर फर्दर रीडिंग। Fortunately, a group of army veterans from Pune encouraged her to take her love for sports further. She started to play wheelchair badminton. Sorry, not basketball also, and she was playing badminton also. Soon, she won the nationals 3 years in a row and represented India in para tournaments abroad, even winning a bronze medal in the Spanish Open. क्या हुआ था, उसको किसने अरेंज किया था, आर्मी थे ना, उन्होंने अरेंज किया था। उसने व्हीलचेयर बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया बास्केटबॉल के बाद। फिर क्या हुआ कि वो उसने तीन चैंपियनशिप ट्रॉफीज भी खरीदे थे और जीते थे और उसको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। मीनवाइल WBFI वॉज जस्ट बिगनिंग टू गेट मोर वुमेन ऑन कोर्ट एंड एन इंडियन टीम वॉज फॉर्मिंग, सो आई टुक अप बास्केटबॉल अगेन, दैट वॉज इन 2017। और उसने 2017 में क्या किया, एक वुमेन टीम बन रही थी बास्केटबॉल प्लेइंग के लिए और उसने उसको ज्वाइन कर लिया। कार्तिकी सेज दैट व्हीलचेयर बास्केटबॉल इज टफर देन प्लेइंग द गेम ऑन योर फीट। उसने क्या बोला कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल थोड़ा टफ है अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने से, लेकिन मुझे खेलना है क्योंकि मैं खेलना चाहती हूँ, लेकिन जो हम अपने पैरों से खेल सकते हैं ऑब्वियसली व्हीलचेयर पे बैठ के वो खेलना बहुत ही मुश्किल है। यू हैव टू कंट्रोल द बॉल विथ योर हैंड्स एंड ऑल्सो मूव द व्हीलचेयर विथ योर हैंड्स। उसने क्या बोला कि आपको बॉल और व्हीलचेयर दोनों एक ही टाइम पे संभालने पड़ते हैं। अ ईयर लेटर गेटिंग द चेयर टू गो हर बाइंडिंग ऑन कोर्ट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। आई कैन शूट फ्रॉम क्लोज बट नॉट येट इवन फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन व्हेन यू आर स्टैंडिंग। इट ऑल कम्स फ्रॉम योर नीज राइट। तो उसने क्या बोला, अभी भी मैं मीन्स बाजू में से जाके कोर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दूर से मैं बास्केटबॉल को फिर भी वहां पे फेंक नहीं सकती हूँ कोर्ट के अंदर। इन अ व्हील चेयर इट हैज टू कम फ्रॉम योर वेस्ट योर टोर्सो। उसने क्या बोला कि वैसे हम अपनी नीज से खेलते हैं, लेकिन व्हील चेयर पे बैठे बैठे सब अपनी वेस्ट से होकर पड़ता है। दैट फिटनेस इज नॉट देयर येट। अभी तक मेरे में वो फिटनेस नहीं। आई नीड अ डेवलप अ स्ट्रॉन्गर बैक एंड एप्स। उसने क्या बोला, अभी भी मुझे मेरे बैक और एप्स स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे। शी क्विट हर जॉब इन 2015 एंड रजिस्टर्ड फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। उसने क्या किया, अपना जॉब 2015 में छोड़ दिया और उसने मास्टर्स डिग्री किसमें, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में उसने रजिस्टर किया। शी इज ऑल्सो टेस्टिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया, एडेप्टिव फिटनेस क्लासेस फॉर पैराप्लेगिस। उसने क्या किया था, फिर उसने एक फिटनेस क्लासेस चालू किया था। किसका, पैराप्लेगिस का। पैराप्लेगिस क्या होते हैं, व्हाट आर पैराप्लेगिस, पर्सन हु सफर फ्रॉम लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ फीलिंग इन द लेग्स एंड लोअर बॉडी, जिसके पैर नहीं होते और उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उसने वो क्लासेस चालू किए। शी हैज ऑल्सो फिनिश्ड हर फर्स्ट सेट ऑफ स्कूबा लेसन्स विथ जस्ट द ओपन वाटर डाइव स्टूडेंट बिफोर शी गेट हर सर्टिफिकेशन। Then there is cycling. फिर क्या आता है, साइकिलिंग। शी ब्रॉट हर सेल्फ अ ट्राई साइकिल विथ द इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग द मनाली कार्डुंग ला राइड विथ अदर पीपल विथ डिसेबिलिटीज, बट से आई डोंट थिंक आई कैन डू इट राइट अवे, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग 100 किलोमीटर राइड फर्स्ट। उसने क्या किया, फिर एक साइकिलिंग खरीदी उसने किसमें, राइड में। उसने ऐसा सोचा कि मैं डिसेबिलिटीज की जो ग्रुप होता है उसमें मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट लूंगी, लेकिन फिर उसने क्या सोचा, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 100 किलोमीटर्स की राइड फर्स्ट करूंगी। इन दिसंबर 27 कार्तिकी गॉट मैरिड। दिसंबर 27 में कार्तिकी का मैरिड हो गया, मीन्स उसने मैरिज कर लिया। आई मेट हरमन व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड वर्क। वो अपने हस्बैंड से कब मिली थी, जब उसने फर्स्ट वर्क अपना ज्वाइन किया था। आफ्टर माई एक्सीडेंट ही टुक केयर ऑफ मी एंड वॉज ऑलवेज विथ मी। जब उसका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद से उसके हस्बैंड ने उसका बहुत ही ध्यान रखा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। दैट व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, तब से सब स्टार्ट हुआ। शी इंसिस्ट शी इजंट गुड इनफ विथ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और हरमन। उसको क्या बोलते, मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है जो मैं हरमन को डिस्क्राइब कर सकूं कि वो मेरा कितना साथ देता है।
but her bland tone believes that hint of a smile that sits round her lips and rolls until it splits her face. What next? Any plans to start a family? I would love to. Maybe when we are a little more settled. उसको पूछा गया कि आप अपना फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, तो उन्होंने बोला हाँ, अगर हम सेटल हो जाते हैं अच्छे से तो हमें बहुत ही प्यार करूंगी ये सब करने में. टिल देन आई हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स टू प्ले. तब तक मैं स्पोर्ट्स प्ले करना चाहती हूँ जब तक मैं अपनी फैमिली के लिए रेडी नहीं हो जाती हूँ. आई हैवंट रिटन देम डाउन, आई शुड राइट देम एंड टेक देम ऑफ वन बाय वन. मतलब उसने क्या बोला, अभी तक मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन मैं एक के बाद सब धीरे धीरे करूंगी. आई नेक्स्ट चेकबॉक्स इज रेडी. The next checkbox is ready. In early February 2018, she was selected captain of Indian's women basketball team for the Asian Para Games qualifier in Bangkok in March. Or February 2008 में उसको क्या चुना गया था, कैप्टन किसका, India's women basketball team के लिए जो बैंकॉक में मार्च में खेला जाता था. What is next? The 2020 Paralympics. फिर उसने next क्या किया, 2020 में जो पैरालंपिक्स आता है उसमें ज्वाइन किया. आई प्लान टू गो इवन इफ आई डोंट गेट टू पार्टिसिपेट. उसने क्या बोला, अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी फिर भी मैं वहां जाना पसंद करूंगी. आई एम टेकिंग इट वन टूर्नामेंट एट अ टाइम. उसने क्या बोला, मैं एक टूर्नामेंट के बाद एक टूर्नामेंट एक एक करके सब खेलूंगी, मैं एक साथ कुछ नहीं करूंगी. सो दिस वॉज द चैप्टर एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू कम्प्लीट योर एक्सरसाइज.